नमस्कार दोस्तों, जो लोग नहीं बोल रहे उनके लिए भी नमस्कार। थोड़ी सी आवाज बढ़ गई है, मैं जानता हूँ आप लोगों का समय बहुत कीमती है। इस रविवार के दिन आप लोगों ने अपना समय दिया, जिस दिन आप लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, यहाँ पर आप लोग आए, इसका मतलब आप सभी लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित है, भविष्य को बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा मेरी पूरी टीम ऐसे सभी महत्वाकांक्षी लोग के लिए जोरदार तालियां। इसलिए 2.5 घंटे से आप सभी लोग हमारे कंपनी के प्लान को देख रहे हैं, 2.5 घंटे में आप लोगों को हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, आपको हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया, और आपको ये भी दिखाया गया कि पिछले 4 महीने या 5 महीने जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया है वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। कम से कम ऐसे 20 लोग आए होंगे जो लोगों ने बताया कि मैं कंपनी का फायदा लेकर हासिल कर लिया हूं, किसी ने बताया कंपनी का दूसरा, किसी ने तीसरा हासिल किया है, कुछ लोग शिमला जीते हुए। एक बात का वादा करता हूँ, जितने भी लोग आए हैं ये लोग अपनी पूरी जानकारी नहीं दी। मैं बताता हूँ, इनमें से जितने भी लोग आए थे, कुछ लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, कुछ लोग एडवोकेट हैं, कुछ लोग इसमें से दरोगा थे, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग रेलवे डिपार्टमेंट से थे, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस मैन है, कुछ लोग स्टूडेंट थे, कुछ लोग पॉलिटेक्निक वाले हैं, कुछ लोग आईटीआई वाले हैं, इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं, कुछ लोग मेडिकल स्टूडेंट थे। मतलब ये सारे लोग अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं, इसके बाद भी बिजनेस को कर रहे हैं। जितने भी लोग आए इनमें से कुछ लोग हफ्ते का 1,000 कमा रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते का 5,000 कमा रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते का 10,000 कमा रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते का 20,000 कमा रहे हैं। इन्होंने पिछले 10-20 साल से काम नहीं शुरू किया, 6 महीने पहले लोगों ने काम शुरू किया, मात्र 6 महीना पहले। 10-20 हजार रुपए हफ्ते में कमाना या शिमला जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस लखनऊ शहर के अंतर्गत ऐसे ऐसे अमीर लोग पड़े हैं जो रोज को 10-20 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो लोग जो रोज 10-20 हजार रुपए कमाते हैं, उन लोगों ने करोड़ रुपए लगाकर अपने काम को शुरू किए होंगे। पहले से अमीर थे और अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग हफ्ते का 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, ये लोग एक मिडिल क्लास के फैमिली में पैदा हुए, ये लोग कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये लोग पैसे कमा रहे हैं। मात्र चंद 15,000 रुपए लगा के बिजनेस की शुरुआत किए और आज हफ्ते का 15-15 हजार रुपए कमा रहे, बड़ी बात है। और आपने आज तक पहली बार ऐसी कंपनी
पहले भी बहुत सारी कंपनियों का प्लान देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, लोगों ने ज्वाइनिंग किया और कुछ बन नहीं पाए। आज पूरे इंडिया में तीन समस्या है, पहली समस्या बीमारी, दूसरी बेरोजगारी और तीसरी दूसरी कंपनियों की बेईमानी। ये तीन समस्या, अगर इस तीनों समस्या का कहीं समाधान है तो सिर्फ एक जगह है और वो प्लेटफॉर्म पर उसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्रोजेक्ट लिमिटेड। और कहीं नहीं है, मैं बीमारी की बात करूं तो हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है। मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिसीजन लेना चाहिए, अगर आज की डेट में लेना हो तो कैसा लेना चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप कभी लगे तो आज की तारीख में VCR या CCTV का जो टीवी होता है कैसेट, अगर इसकी दुकान खोलने के लिए कह दिया जाए तो आप खोलेंगे? अगर आपको पीसीओ की दुकान खोलने के लिए कह दिया जाए तो खोलेंगे? नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसका जमाना जा चुका है, लेकिन कभी था। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, काम होगा करिए जिसका भविष्य में भी स्कोप और प्रोजेक्ट है। मुझे बताइए ऐसा कोई गांव बताइए, ऐसा कोई शहर बताइए और ऐसा कोई घर बताइए जिस घर में कोई व्यक्ति बीमार ना है या नहीं? हर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, यानी इस फील्ड का अगर नॉलेज हो जाए हमको, इस फील्ड की अगर हमारे पास जानकारी हो जाए, इस फील्ड में हम काम करने लगे तो हमारा बिजनेस डूबेगा चलेगा? ये तो हो गए वर्तमान की बात, आज सब बीमार, लेकिन क्या भविष्य में लोग बीमारी की तादाद बढ़ेगी या घटेगी? 100% बढ़ेगी। यानी अगर हम बीमारी के सेक्टर में काम करना शुरू कर दे तो आने वाले वक्त में, वर्तमान समय में भी और आने वाले वक्त में भी हमारे पास पैसों की ग्राफ बढ़ना लगातार शुरू हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत उसकी करनी चाहिए जिसका प्रेजेंट भी अच्छा और फ्यूचर भी अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आएगी, क्या आप डॉक्टर? क्योंकि बीमारी को ठीक कौन कर सकता है? ये आम व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो स्वास्थ्य फील्ड में काम नहीं करता उसको। दो प्रकार की इंडस्ट्री होती है, एक सिकनेस होती है जहाँ पे डॉक्टर होते हैं और एक वेलनेस होती है जहाँ पे डॉक्टर नहीं होते। बाबा रामदेव डॉक्टर है लेकिन बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर दी। आपकी मम्मी डॉक्टर है लेकिन बचपन में बहुत बीमारियां ठीक कर दी होंगी। जब आपको चोट लगा होगा, आप गिर गए होंगे, घर में आए होंगे, तो आपकी मम्मी ने आपके घुटने पे तुरंत हल्दी चूना और तेल लगा के प्याज के साथ ठीक हुआ नहीं? डॉक्टर नहीं लेकिन ठीक हो गया। उसी तरीके से हम लोग डॉक्टर नहीं लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 100% प्योर है, आयुर्वेदिक है, सेफ है, ये बिल्कुल दूध की तरह है, जितना पी लोगे उतना ही फायदा करेगा, नुकसान कभी नहीं कर सकता। और जो चीज नुकसान नहीं करता हमारे शरीर के लिए उसको कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, उसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट को आप लेकर आप अपने लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, जो लोग नए हैं, क्या प्रोडक्ट काम करेगा? क्योंकि अभी तक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जिनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, तो लोग सोचते हैं यहाँ का प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। याद कर रख लीजिएगा, मैं पिछले 8 मिनट से हूँ, मुझे उस कंपनी के बारे में पता, इसका भी बारे में पता। ये ना सोचिएगा कि मैं इस काम को कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एक बात का दावा करता हूँ, इसी हाल में रहूंगा, आपके सामने खड़ा रहूंगा, अगर कंपनी के प्रोडक्ट अगर 10 गुने फायदे करते हैं तो हमारे कंपनी प्रोडक्ट 1000 गुना फायदा करता हूँ, उनसे ज्यादा करेगा। क्योंकि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छे रिजल्ट है, इसका टेस्ट बनी है, आप जब चाहे तब यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। ये बात हमारी बीमारी की। इसके बाद मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी बात बेरोजगारी पे। आज हमारे इंडिया में देखा जाता है लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट किया, आज हमारे देश में एक सर्वे में पता चला 72% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है फिर भी बेरोजगार। अगर आपको एमए करने के बाद किसी का 10,000 की नौकरी करना था तो आपने एमए क्यों किया? इससे अच्छा आप मकान बनाने वाला काम कर लेते तो उसका 5 करोड़ का मकान। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बेरोजगारी की स्थिति यह है कि आज लोग पढ़ाई तो कर ले रहे हैं लेकिन जॉब नहीं पा रहे। उनकी गलती नहीं है, गलती इस चीज का है कि हमारे पास जॉब है ही नहीं। अच्छा एक बात यहाँ पर और होती है, जो लोग पा गए उन्होंने क्या बता दिया? आपने देखा कुछ लोग रजिस्टर्ड ऑफिसर यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जॉब कंप्लीट कर लिया, जीवन का 40 साल नौकरी कर लिया, इसके बाद भी आज तक हफ्ते का 1,000 रुपए कभी नहीं पाया। जिस दिन काम करना बंद कर दिया उनकी इनकम आना बंद हो गई। मैं आपको बताता हूँ हमारी कंपनी में आज की तारीख में जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले काम की शुरुआत किया, एक शख्स है मिस्टर महिपाल सिंह, मात्र 3 साल पहले, जिनको इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में किंग के नाम से कहा जाता है, 3 साल पहले उन्होंने इसी तरीके से प्लान देखा।
बेरोजगार हुआ करते थे, भारतीय सेना में एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करते थे और 3 साल पहले इस काम से उन्होंने शुरुआत किया और स्थिति आपको बता दूं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। आज की तारीख में मिस्टर महिपाल सर की अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं तो आज की डेट में महीने का 30 लाख रुपए की इनकम है, यानी रोज का एक लाख, रोज का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मुझे बताइए ऐसा कोई सेक्टर, ऐसा बताइए कोई जॉब जहां पर 30 लाख रुपए महीने की आती हो। आज 30 लाख रुपए के बारे में बता रहा हूँ, साल भर बाद अगर मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा सर उनकी महीने की इनकम आज की तारीख में 7 लाख। 3 साल पहले एक छोटी सी जॉब करते थे, आज 30 लाख रुपए महीने कमाते हैं। उसी तरीके से हमारे एक सीनियर है मिस्टर अमित दुबे सर, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत किया 2.5 साल पहले। एक स्टूडेंट हुआ करते थे, बहुत लोग यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, 2.5 साल पहले शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग, 2.5 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया हमारी कंपनी के साथ और 2.5 साल के अंतर्गत इस कंपनी से अब तक टोटल 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और वर्तमान समय महीने का आज की तारीख में 12 लाख रुपए की इनकम है। 12 लाख 26 साल की उम्र में अमित दुबे सर आज की तारीख में 12 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। एक बात होती बड़ी अच्छी लगती है, बोलते हैं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस कर रहे थे तो उनके सहपाठी लोग हुआ करते थे, वो आज भी नौकरी खोल रहे हैं और आज की तारीख अमित दुबे सर अपनी कमाई का जो चलने के लिए कार उन्होंने खरीदा है, बिलीव नहीं करेंगे शायद लखनऊ में उसका इतनी अच्छी कार गया कि लखनऊ में उस कंपनी का शोरूम भी नहीं। आप सब कर लीजिएगा वो बंद हो गया क्योंकि लखनऊ में कोई खरीदार नहीं था, शहीद पथ पे था और उस कार को खरीदने वाला लखनऊ में कोई पैदा ही नहीं हुआ था, वो शोरूम ही बंद हो गया, एजेंसी बंद हो गई। अमित दुबे सर ने 2.5 साल के करियर में इस कंपनी से 1.30 करोड़ रुपए का खरीदा जयगवान इस बारे में जानते हो, उनसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लखनऊ में तो है लेकिन एक नंबर वाले नहीं है, वो कैसे जयगवान है, दो नंबर वाला जयगवान नहीं ले पाता है। दोस्तों मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे एक सीनियर है, जब मैंने इस काम की शुरुआत किया तो मेरे एक अपलाइन थी, बहुत ही महिमा थी मेरे शरीर के ऊपर, आज हम जो भी है सिर्फ उनकी वजह से है, नाम है उनका मिस्टर अवधेश नारायण गुप्ता, हमारे रवि सर जो कि इस कंपनी को उन्होंने भी करीब 25-26 महीने पहले शुरुआत किया था, आज की तारीख में इस कंपनी से 25 साल की उम्र में बहुत ही जल्दी ग्रोथ किए, 5 करोड़पति के रूप में हमारी कंपनी में जानते हैं, मात्र 25 महीने पहले शुरू किए और आज की तारीख में इस कंपनी से अब तक टोटल टूर ट्रेवल्स और इनकम मिलाकर अब तक टोटल 1.10 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और महीने की टाइम 5 लाख रुपए की एवरेज इनकम। मैं ये बात क्यों बता, क्योंकि जैसे हो किसी के भाई बेटे हो वैसे आप लोग भी किसी के भाई बेटे, उनके पास भी 2 हाथ पैर है, हमारे पास भी 2 हाथ पैर है। मैं खुद 8 महीने पहले जब इस काम की शुरुआत किया था 10,000 की मेरी एमए की डिग्री 10 साल की नौकरी दे रही थी, गवर्नमेंट जॉब पा रहा था तो 50,000 की देती है, लेकिन इस कंपनी से वहां पर महीने का 50,000 मिल सकता था, लेकिन इस कंपनी ने मुझे ऐसा सिस्टम दिया कि ऐसे हमारे भाई लोग इस कंपनी में हमारे साथ दिए और इस महीने की जो मेरी इनकम है, इस महीने में हमारे जो इनकम आ रही है इस कंपनी के माध्यम से, 8 महीने पहले मैं 0 था, 8 महीने बाद मेरी जो इस महीने की इनकम आ रही है वो 1,67,000 रुपए की इनकम मिला, 1,67,000 मेरे उसमें मुझे कोई भी लगता मुझे अभी तक नहीं मिला जो एक नंबर में महीने का 1,67,000 की इनकम दे रहा। अगर ऐसा मुमकिन, अगर आप भी चाहते हैं कि अगले 8 महीने बाद 1,00,000 रुपए की आपकी इनकम हो तो आपको एसपीपीएस भी करना पड़ेगा। 3 बातें बताया, बीमारी बेरोजगार, तीसरी है बेईमानी। मैंने इस कंपनी से पहले कंपनी है फॉरएवर कंपनी में उसमें काम करता था, मैंने वहां पर साल भर काम किया, सुपरवाइजर के आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहां पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, हर एक स्टेप पे टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने उस कंपनी में देखा जो लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं उनकी महीने की इनकम 5 लाख, जो 12 साल से काम कर रहे हैं उनकी महीने की इनकम 6 लाख। आज तक कोई व्यक्ति मिलेंगे जो फॉरएवर इंडस्ट्री में जो व्यक्ति ये बोल दे कि मेरी महीने की इनकम 50 लाख है या 3 लाख। मैंने उस कंपनी में देखा कि कोई ऐसा लीडर है जो करोड़ों की गाड़ी रुक करता हो, मैंने देख लिया यहाँ पे भविष्य नहीं, यहाँ पर 3 साल में लोगों के पास 1-1 करोड़ की कार है और वहाँ 12 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास एक मामूली सी कार 10 या 20 या 25 लाख वाली कार चल रही थी। मैंने तुरंत डिसीजन लिया और डिसीजन का फायदा यह हुआ कि आज की तारीख में मैं ही वहां पर भी काम करता था, मैं ही यहाँ पर भी काम करता था, यानी दम मेरे अंदर तो थी लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर मुझे मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं वहां पर भी कामयाब हो सकता, लेकिन काबिलियत ना हो, काबिलियत की वजह से जब मैंने चेंज किया तो यहाँ पर मैं इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में था। तो दोस्तों डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि अदर्स कंपनियां जो होती हैं वो
को हर एक लाइन पर स्टार बनाई है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, लेकिन इस कंपनी में आपका कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जितने भी लीडर्स हमारी बातें को आपने बताया है, हमारी मार्केटिंग प्लान के बारे में जितने लीडर्स आपको बताए हैं वो बिल्कुल उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों लास्ट में एक बात हम बताना चाहेंगे, मात्र एक मिनट में मैं आपको छोड़ता हूँ, कितने लोग प्लान एक साथ देख रहे हैं? हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि इतने लोग एक साथ प्लान देख रहे हैं। प्लान देखने के बाद कुछ लोग होते हैं डाउट करते हैं, मैं ज्वाइनिंग करूं या ना।